तो भाई साहब ऐसा है, जब आप कुतुब मीनार आओगे गलती से और आप सोचोगे कि यहाँ आप कैमरा वैमरा लेके आओगे, शूट वूट करोगे, तो यहाँ चेकिंग ऐसी करेंगे जैसे आप बम बम लेके आ रहे हो। एक रुमाल भी होगा आपके पास, तो अंदर ऐसी जगह हाथ डाल देंगे रुमाल निकालने के लिए कि बस आदमी शर्मा जाए। अच्छा बात नहीं है। अनस भाई बड़ी तेज भाग रहे हो। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। यार टिकटॉक वाली याद अपनी छोड़ो यार तुम। ये देखिए वो कब्र है, कब्र पर लड़की चढ़कर फोटो खिंचवा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts, saying, turn them to a game. Take the best thoughts, saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. भाई साहब बहुत गंदा एक्सपीरियंस एंट्री से ही। भाई साहब को जो हमारे गार्ड साहब, उन्होंने कहा स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग नॉट अलाउड देयर, इंग्लिश स्पीकिंग हो शैम फैम, इंग्लिश स्पीकिंग अलाउड नहीं यहां पर। और दूसरी बात, ये भैया हम पूरे तैयारी से आए थे, कैमरा माइक DSLR सब कुछ लेके आए थे, लेकिन मसला हो गया एंट्री करने नहीं दी। सब ऐसी ऐसी जगह हाथ डाल के उन्होंने चेकिंग करी हमारी कुतुब मीनार के लिए। विष्णु स्तंभ है भाई साहब, भाई यही रीज़न है जिस वजह से उन्होंने कहा हम पे वो आग बबूला इसलिए हुए कि जो कंट्रोवर्शियल चल रहा है इतना कुछ, मगर भाई हाँ। आप कभी कुछ नया कंट्रोवर्शियल स्टार्ट कर दो तो भाई हाँ। उन्होंने बहुत एहतियात रखनी पड़ी। उन्होंने बोला कि इससे पहले बहुत लोग आए और उन्होंने इस कुतुब मीनार को लेकर अलग अलग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, किसी ने विष्णु स्तंभ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, इस वजह से अलाउड नहीं है कैमरा DSLR और माइक। माइक हमारा अलग से, जो रॉड माइक था उसको तो ऐसे हिकारत से देखा जैसे कि वो बम बम हो गई। टिकटॉक वाली याद अपनी छोड़ो यार तुम। सो गाइस यहाँ पर जो है देखो भाई ये क्या है, ये एक्चुअली चबूतरे हैं, राजा महाराजा यहाँ बैठ के ना इस पे ऊंच नीचे पापड़ा खेलते थे भाई।
ये पूरा इतिहास पलट देगा, बदल देगा ये लोंडा। मगर यहाँ पे वार्निंग डिस्क्लेमर डालना चाहिए क्योंकि मोटे लोग इसको ना करें। हाँ मैं तो खैर फिट हूँ, मोटे लोग इसको ना करें। फिट ही है। मैं तो फिट हूँ। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा। हाँ आपको कुतुब मीनार का एक इतिहास और बताता हूँ। इतिहास क्या, ये अभी भी वो हुआ है, ये आप देख रहे हो, ये जो रेलिंग लगी हुई है, हाँ ये इसका रीजन क्या बता सकते हो? इसका रीजन ये है, कोई आशिक यहाँ पे अपनी बीबी महबूब का नाम ना लिखे कि राजू राजू लव शब्बो शब्बो लव नब्बो पप्पो शब्बो, बहुत आशिकों के नाम लिखे आते हैं। नहीं पहुंच रहा भाई साहब, पहुंच नहीं पा रहा भाई साहब, कुतुब मीनार बड़ा हो गया। मामा गए दिल्ली, वहां से लाए दो बिल्ली भाई, हम आ तो गए लेकिन यहाँ क्या हो रहा है यहाँ? ये भाई साहब कुतुब मीनार कम लोगों को ज्यादा देख रहे हैं, सबको जज कर रहे हैं। देखो कह रहे हैं मुल्ला जी बैठे हुए नमाज नमाज पढ़ाने के लिए आए हैं, ठीक है। नहीं पंडित जी बैठे थे, एक पंडित जी भी हैं, सब लेकर आए जरूर जोड़े पंडित जी बिगड़ी दिए। आइए इस जगह चल रहे हैं हम, यहाँ देखते हैं क्या है। और अनस भाई कहते हैं कब्र है, कह रहे हैं इनके रिश्तेदारों की है कब्र, ये कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान पे आ गए हम। तो क्या खूबसूरत कब्रिस्तान है यार, वाह। मैं तेरी ऐसी बनवाऊंगा भाई इंशाल्लाह। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पहले के ज़माने में ताक हुआ करती थी ताक, तो ये यहाँ पर जो है अगरबत्तियाँ जलाया करते थे, यहाँ अंदर अगरबत्ती लगा दिया करते थे। पहले पे नाम भी लिखते थे, नाम वाम हटा दिया किसी ने? नाम वाम तो हटा हुआ है, यहाँ मतलब वहाँ मेंटेनेंस है ही नहीं तो क्या होगा। देखिए दो लोगों की कब्र है, लिखा हुआ नहीं है किसकी कब्र है, लेकिन जाहिर सी बात है कब्र किसकी होती है, मुसलमानों की होती है कब्र भाई, दूसरों की तो होगी। मुद्दा कुतुब मीनार को कुछ भी चल रहा होगा, अगर यहाँ से गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है ना, हाँ तो इसे कोई नहीं ला सकता। इसे कोई नहीं ला सकता भाई। अब ये है, ये इस विष्णु स्तंभ के बारे में अगर आपने सुना होगा तो ये बाहर से ला के रखा गया था, ये लौह स्तंभ का यहाँ पर जानकारी कुछ दी गई है। कुवतुल इस्लाम जो मस्जिद है उसी के अंदर उसी के आंगन में ये स्तंभ गड़ा हुआ है, आयरन पिलर। मेन बात यह है कि ये जो नई जानकारी लिखी गई है इसमें प्लस्तर तक नहीं मिटे, ये नया पत्थर है, नई जानकारी यहाँ पर डालकर चिपका दिया गया है। अब ये कोई साजिश का हिस्सा है या प्रोपेगेंडा क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन आप देखिए ये वो लोहा, इसकी बात कर रहा हूँ, ये स्तंभ है और इसी के ऊपर लिखा गया है कि यह कोई दूसरा राजा था उसने लाकर यहाँ पर बसा दिया था, मतलब ये यहाँ पर लगा दिया था। और इस पर जो है इसको विष्णु भगवान विष्णु से जोड़ा हुआ है। अब ये जो देखिए, ये मैं रोक देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, ये आराम से देखिए, इसको पढ़िए, लिखा है इसमें कुवतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में स्थित इस लोहे के स्तंभ पर गुप्त काल के ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में एक लेख है जिसे पुरालेख की दृष्टि से यानी पुराने लेखों की दृष्टि से चौथी शताब्दी का निर्धारित किया गया है, जिसकी पुष्टि भी इसके आमलक शीर्षक की विचित्र शैली द्वारा दी गई है। अभिलेख में कहा गया है कि इस स्तंभ का निर्माण चंद्र नामक एक शक्तिशाली राजा की याद में किया गया था, हैं, जिसे अब गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय 375-413 के स्वरूप में पहचाना जाता है। विष्णु पद के रूप में विख्यात पहाड़ी पर भगवान विष्णु के ध्वज के रूप में ये में किया गया था। इस स्तंभ के ऊपर एक गहरा छेद है, संकेत करता है कि स्तंभ के इस अंग पर शायद, इसमें भी देखिए शायद है, शायद गरुण की मूर्ति होगी जो विष्णु के ध्वज के रूप में विष्णु मंदिर का संकेत देने के लिए उस स्थान पर लगाई गई थी। स्पष्ट है कि यह स्तंभ यहाँ किसी और स्थान से लाया गया है क्योंकि इस स्थान पर चौथी शताब्दी के और कोई अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, समझ रहे हैं? ये जो स्तंभ है ये कहीं और से कोई लेके आया था, उसने यहाँ पर मस्जिद के अंदर जो कुवतुल इस्लाम मस्जिद है उसके अंदर गाड़ दिया। अब उसके बाद ये जानकारी, इस पर आपको भरोसा है या नहीं है
हम नहीं बता सकते, क्योंकि भाई ये जो पत्थर पे लिख दिया, कौन लिख रहा है, किसके कहने पे लिखा है, क्या लिखा है, वो हमें नहीं मालूम। इसका सही इतिहास क्या है नहीं पता, क्योंकि ये पत्थर भी नया है, इसका प्लास्टर भी नए दिख रहे हैं। आपके सामने मैंने जानकारी बहुत बड़ी रख दी है। जिस जगह पर अभी हम आए हैं, यहाँ पर ये है कुवतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, हम लोग कब्रिस्तान समझ रहे थे क्योंकि यहाँ पर, हाँ, तो कुवतुल इस्लाम मस्जिद जो है उसका ये आंगन है, और ये कुतुब मीनार है पीछे, और जहाँ एक भी इसी मस्जिद के आंगन में एक पिलर है, लोहे का पिलर, आयरन पिलर, जिसको वहाँ पर लिखा हुआ है, जिसके बारे में अभी शुरू में मैंने आपको बताया, वो मस्जिद के आंगन में गड़ा हुआ है, ठीक है। तो बहुत लोगों को नहीं पता, वो आते हैं, देखिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत यहाँ लाखों लोग आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसी को पता नहीं है, क्योंकि यहाँ से वो अंदर आते हैं, किसी को पता नहीं है कि ये कौन सी जगह है। बेसिकली वहाँ जो डिटेल लिखी हुई है उसी के मुताबिक बता रहा हूँ, सरकार की डिटेल के मुताबिक, यहाँ पर ये कुवतुल इस्लाम नाम की ये मस्जिद थी, उसका ये आंगन है, हमें तो पता ही नहीं था, आज पता लग गया ना। ये देखिए वो कब्र है, कब्र पर लड़की चढ़कर फोटो खिंचवा रही है। अब गार्ड कहाँ है भाई, ऐसे मामलों में गार्ड क्यों नहीं रोकते? ये लोहे का स्तंभ है, हाँ, इसके बारे में बताने के लिए उन्होंने डिटेल लिख दी, हाँ, ये कब्र है, हाँ, जो इंसान की कब्र है, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, ना कुछ नाम है, किसकी कब्र थी, क्या था, क्यों था, कुछ नहीं है, बट एक बेजान चीज़ की बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है उन्होंने। नहीं, बेसिकली ये देखो ना, लोग कब्र पर बैठे हुए हैं, ये देखिए कब्र पर दीदी फोटो खिंचाने के लिए चढ़ी थी। यार। और देखो यार, लोगों को पता है, ऐसा नहीं है कि, देखो कौन नहीं जानता ये कब्र है, ये कब्र दिख रही है पूरा, ऊपर से इसकी वो गुम्बद दिख रही है, उस कब्र की भी गुम्बद दिख रही है जिस पे वो खड़ी होकर अभी फ़ोटो खिंचवा रही थी। हम काफ़ी दूर थे और गार्ड भी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, और चढ़ने वालों को पता है कि भाई ये कब्र है। तो यहाँ पे जो जितने भी लोग आते हैं वो इसके फ़ैन हो जाते हैं, और फैन से ज़्यादा, अरे फोटोग्राफी सर, अरे सर, हाउ आर यू, बिग फैन सर, बिग फैन सर, हाय बोल दिए, सब्सक्राइब के लिए बोल दिए सर, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी सर ने कहा वो करें, प्लीज करें। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो गाइस ये देखिए, आप कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हो, कोई भी दावा कर सकते हो, लेकिन दीवारें चीख चीख कर बता रही हैं कि इनका मालिक कौन है, ठीक है। हर जगह अरबी कैलीग्राफिक में लिखा हुआ है, देखिए पूरा पूरी अरबी कैलीग्राफी लिखी हुई है, अरबी में सब कुछ। और मैं अगर इसकी हिस्ट्री बताऊं तो भाई सब चीज़ मुझे नहीं पता यार, मुझसे मत पूछा करो, सब चीज़ नहीं पता होती मुझे। मैं क्या क्या बताऊं, मैं आपको तो गूगल ढूंढना पड़ेगा। अनंत भाई ये क्या है, ये कौन सा, ये भाई वो है, ये पुराने ज़माने का, मुझे ओयो सा लग रहा है, देखिए यहाँ से घुसे एक रूम हो रहा है, एक रूम हो रहा है। आइए भाई देखते हैं ये कौन सी जगह है। ये सुल्तान शमसुद्दीन साहब का मकबरा, जो कि वहाँ से देख के बता रहा है। अब तो राज खुल गया, कुतुबुद्दीन साहब के दामाद। दोबारा देख के आओ, कन्फर्म करो, गलत जानकारी दे रहे हो। अब मैं बताता हूँ, इल्तुतमिश एक नाम के व्यक्ति थे, इल्तुतमिश और शमसुद्दीन की ये बात कर रहे हैं, उनको भूल जाइए, जो कुतुबुद्दीन थे, जिनका ये कुतुबुद्दीन वो बादशाह थे, उनके दामाद की ये कब्र है, ठीक है, जिनका नाम इल्तुतमिश था। दामादों की इतनी इज्जत होती भाई साहब। अरे अल्लाह की कसम, मैं अनस भाई के ससुर, अनस भाई के ससुर साहब से मेरी गुजारिश है, उनके ख़ानदान वालों से गुजारिश है, प्लीज़ इनके लिए ज़िंदगी में ही इनके लिए कब्र बनवाएं, इनकी बड़ी तमन्ना है। और ऐसे ही चारों तरफ हवा महल हो, लोग बाग ऐसे फोटो खिंचवाना है दूर दूर से। अरे गोले, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है मस्जिद, ठीक है, ये छोटी सी मस्जिद है, बहुत छोटी सी मस्जिद है, देखिए आपको पता भी नहीं होगा, मैं आपको इस व्लॉग के ज़रिए दिखा रहा हूँ, देखिए ये है इधर कुतुब मीनार, उसी परिसर में छोटी सी मस्जिद,
यानस भाई ने ढूंढी है माशाल्लाह। तो कब्रिस्तान भी होती है भाई ऐसी ऐसी जगह पर। तो ये देखिए, ये है हमारे पीछे कब्रिस्तान। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कब्रों का कोई इनकी केयर करने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, कब्रों पर लगे हुए पत्थर से आनंद भाई पता चल रहा है यार कितनी पुरानी कब्र है। बहुत पुरानी कब्र है, मतलब जो इसके ऊपर पत्थर है काई लग चुकी है, लेकिन पत्थर बहुत पुराने जमाने का है। बस सरकार ने भी वो जानकारी दी है, सिर्फ इतना लिख दिया है ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान, और कुछ जानकारी नहीं दी है। देखिए वहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है। तो सर इसके बारे में कुछ फरमाइए, क्या है और क्यों है, किस वजह से? सन 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद की इस जगह को बड़ा किया, और तो ये मस्जिद की जगह है? हाँ, ओके। उसको उसका विस्तार किया, बढ़ाना चाह रहा था। और फिर क्या हुआ, इसके अंदर जो मेन जो पत्थर है वो काफ़ी गड़े हुए पत्थर हैं, मतलब खोखले पत्थर नहीं है ऐसा इतिहासकार बताता है। फिर ये कुतुब मीनार से ऊंची वो बनाना चाह रहे थे, कुतुब मीनार से ऊंची। कुतुब मीनार से शायद 2-3 गुना ऊंची है। हाँ, 2-3 गुना ऊंची बनाना चाह रहे थे। हुआ ये कि उनकी मृत्यु पहले ही हो गई। और ये बनाना कौन चाह रहा था अब तक? ये अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वो रणवीर सिंह? अबे नहीं बे, असली अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा अच्छा, मुझे लगा रणवीर सिंह की बात चल रही थी, देर से मैं खुश हो गया रणवीर भाई। ये पूरी नहीं बन पाई, अगर ये पूरी बनती तो ये कुतुब मीनार से भी ऊंची मीनार होती। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, खिलजी साहब इसको बनाते बनाते रह गए, नहीं बना। तू बनवा दे। तो ये जो मीनार है ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही बस बाहर बाहर से, देखिए ये रास्ता है जो बनाने की कोशिश की जा रही थी। देखिए स्ट्रेस है यहाँ पे, और यहाँ अब ये काम रह गया था। और एंट्री आप जब करोगे तो एंट्री करने के बाद देखो अंदर ये मतलब रास्ता है राउंड ऊपर चढ़ने का, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बस इतनी फिट बन पाई जितनी आपके सामने है। अगर ये बनती तो काफ़ी मजबूत और काफ़ी खूबसूरत बनती। और आपको एक बात और बता दूं, ये अभी इसका बाहर का काम, जिसे कहते हैं ना प्लस्तर, बाद में प्लस्तर अलग से पत्थर लगते, तो अभी इसमें मतलब सिर्फ ये 5% काम कंप्लीट हुआ था, अदरवाइज़ ये आज कुछ और होता। आज तो मीनार की जगह ये मीनार होती। ये देख रहे हो आप, ये पूरा मतलब यहाँ से है परिसर, ये देखो यहाँ से इसकी बुनियाद है, ऐसा नहीं है। और ये लगभग 400-500 फीट की गोलाई के अंदर है ये पूरी जगह। और इसी के बैक साइड में आप देखो गाड़ी की आवाज़ अगर आपको आ रही होगी तो रोड वोड बिल्कुल करीब से है, यहीं से रोड है। देखिए ये उधर से मेन रोड है, पूरा मेन रोड है यहाँ पे, ठीक है। और एक बात और बता दूं भाई साहब, इसका जो विकास नहीं हो रहा है, ये जो रह गई है इतनी, ये बढ़ी नहीं। मेरे पास आइडिया है ये कैसे बढ़ सकती है, बताओ बताऊँ कैसे? अनस भाई इसका नाम विकास रख दो, इसका नाम विकास रख दो भाई साहब। वो कुछ और समझो, अबे विकास रख दो सब, तो कितनी तेज बढ़ेगी, यूँ ही बढ़ती रहेगी। तो सर इसके बारे में कुछ बताएं, ये क्या चीज़ है? ये इमाम जामिन, अगर आप गूगल पे लिखेंगे तो इमाम जामिन नाम के एक शख्सियत थी, ये उनका मकबरा है। खास बात ये है कि उन्होंने ये मकबरा अपनी ज़िंदगी में रहते हुए बनवाया था जब वो ज़िंदा थे, ठीक है। और ये सन 944 हिजरी, जी हाँ 944 हिजरी में ये जब बादशाह वाला, समझ रहे हैं आप, हाँ, तो उस टाइम ये सब सम्राट फैला हुआ था। और ये आए थे तुर्कमेनिस्तान से, जो भारतीय नहीं थे, तुर्कमेनिस्तान से आए थे। और मस्जिद की जानकारियाँ लेकर, मस्जिद को गाइड करने के लिए यहाँ मस्जिदें बनाई जा रही थी, तो वो डिटेल्स लेकर उसके लिए आए थे। लेकिन उनको शायद वही नाजिल हो गई थी कि अगले साल वो नहीं रहेंगे, तो उन्होंने अपने ज़िंदगी में ही अपना जो है ये पूरा मकबरा बनवा दिया था कि मुझे जब मैं मर जाऊँ तो यहाँ पर मुझे दफन कीजिएगा। इसके साथ ये मुग़ल सम्राट हुमायूं के टाइम पे ये मकबरा बना था। ये देखिए अंदर
तो भैया ऐसा है, हम लोग अब निकल रहे हैं, बिल्कुल एग्जिट वाले गेट पर आ चुके हैं। अनस भाई कैसा लगा? देखो भाई मज़ा आ गया, अपने भी बच्चों के साथ आओ यहाँ पर, खेलो, पिकनिक बनाओ और सफाई सुथराई का ध्यान रखो। सुरक्षा अभियान चल रहा है, वो सॉरी स्वच्छ अभियान, स्वच्छ अभियान। हाँ मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, स्वच्छ अभियान चल रहा है। देखो जगह जगह कूड़ेदान डले में, वैसे हिंदी के साथ साथ ये पूरा आदमी कमजोर है, ठीक है, ये मत सोचिए कि ये थोड़ा मोटा वोटा हो गए हैं तो ये बहुत मौजूद नहीं है, कमजोर अंदर से। इनको कह रहा हूँ बाबा हकीम जी से मिल लें, लेकिन समझ ही नहीं आ रही तब अभी ऐसी है। यहाँ से एग्जिट करना है और ये भैया जी हैं हमारे, ये भैया जी कार्ड इसको टोकन को डालेंगे। वही मेट्रो वाला सीन होता है, भारतीय कितना खुशी होता है भारतीय जब लिखा हुआ आता है तो। धन्यवाद भैया जी। सो अनस भाई बड़ी तेज़ भाग रहे हो, ये तलब ही ऐसी है अनस भाई एक्सप्रेशन। सोचो ये गली में झाड़ू लगाने वाले को देख के खुश हो जाते हैं तो यहाँ तो अंग्रेज हैं। झाड़ू लगाने वाले? अबे ये नहीं है। अबे तो अंग्रेज झाड़ू लगाने वाले भी ऐसे ही होंगे। तो हम बाहर निकल चुके हैं, ये देखिए कुतुब मीनार परिसर से जो है बाहर निकल चुके हैं एकदम। अब अनस भाई को प्यास लग रही है, इनको प्यास बुझानी है। सोड़ा, सोड़ा, सोड़ा,